फटाक यानी 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सीबीएसई ने इस बार कुछ अलग तरीके से कराए 10वीं और 12वीं के लिए टर्म वन एग्जाम। आप जानते ही हैं पहले बोर्ड एग्जाम हुआ करते थे जिसे सीबीएसई कराता था, लेकिन इस साल से टर्म वन और टर्म टू एग्जाम बोर्ड करा रहा है। जल्द ही टर्म वन एग्जाम का रिजल्ट जारी भी हो जाएगा, लेकिन टर्म वन एग्जाम में नहीं होगा कोई बच्चा फेल। जी हाँ, ये बात सच है। आगे हम आपको इसकी डिटेल्स बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, साथ ही इस बार रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाएगा इसकी प्रक्रिया भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ निधि तनेजा और आप देख रहे हैं न्यूज तक, जो अब आपके सामने एक नए अंदाज में पेश है। याद रहे, सिर्फ रंग रूप बदला है, कोशिश अब भी वही है कि आप तक देश दुनिया की जरूरी खबरें पहुंचाते रहें। तो अब बता दें क्यों और कैसे नहीं होगा कोई बच्चा फेल। दरअसल सीबीएसई ने इसी साल से शुरू कर दिया है दो टर्म एग्जाम वाला पैटर्न, यानी पैटर्न बदला तो कुछ और चेंजेस भी यहाँ हुए हैं। सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने न्यूज तक को बताया कि टर्म वन एग्जाम के रिजल्ट में किसी भी स्टूडेंट को पास कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टूडेंट्स के मार्क्स जरूर जारी करेगा, लेकिन किसी को पास फेल नहीं बताएगा। और ये बात स्टूडेंट्स के लिए अच्छी भी है, क्योंकि इस बार काफी स्टूडेंट्स की शिकायतें थी कि एग्जाम में कई तरह की दिक्कतें आई, कई स्टूडेंट्स को काफी हद तक एग्जाम्स चैलेंजिंग भी लगे। लेकिन अब सवाल ये कि फिर फाइनल रिजल्ट कैसे तय होंगे। इससे पहले आपको बता दें सीबीएसई टर्म टू के एग्जाम्स कराएगा 2022 में मार्च अप्रैल के महीने में, जिसके बाद आपके टर्म वन के मार्क्स, टर्म टू के मार्क्स और इंटरनल इवैल्यूएशन असाइनमेंट के मार्क्स को जोड़कर एक फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। यानी टर्म टू के एग्जाम के बाद ही एक फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी। आपको बता दें बोर्ड को उम्मीद है कि इस बार फेलियर रेट भी कम रहेगा, क्योंकि टर्म वन एग्जाम्स के बाद स्टूडेंट्स को अपनी परफॉर्मेंस का आकलन करने का मौका मिलेगा और सेकेंड टर्म की तैयारी और भी अच्छे तरीके से वो कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीबीएसई कब करेगा 10वीं और 12वीं के टर्म वन रिजल्ट्स की घोषणा। यही सवाल जो आपके मन में है, ये हमने सीबीएसई से भी पूछा। दरअसल बोर्ड ने कहा कि इस पर कुछ भी बहुत स्पष्ट अभी नहीं है, लेकिन जनवरी में रिजल्ट घोषित होने की बात को नकारा भी नहीं है। बोर्ड ने कहा कि इस बार काम नया है। आमतौर पर बोर्ड करीब 80,000 OMR शीट्स एक दिन में स्कैन कर पाता था, लेकिन इस बार ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन तकनीक के साथ साथ इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन का भी इस्तेमाल होना है, यानी कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ सवालों के जवाब हम यहाँ दे पाए होंगे। शिक्षा जॉब से जुड़े और भी किसी मुद्दे पर अगर आप चाहते हैं कि बात करें तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।